दोस्तों ये है पटना का इस्कॉन टेम्पल, जो कि स्टेशन से जब आप तारामंडल के ओर जाते हो तो ये रोड मिलता है आपको, इसका नाम है बुद्ध मार्ग, उसी पे बना हुआ है। तो आज हम इस्कॉन टेम्पल का ये आपको हम ड्रोन व्यू दिखा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको हम कोशिश करेंगे कि घर बैठे आपको हम पूरे इस्कॉन टेम्पल का दर्शन करवा दें। कहाँ से आए आप लोग आंटी? ये मितमंडल कॉलोनी से। कैसा लगा आप लोग को यहाँ? बहुत अच्छा लगा। कैसा बना हुआ? बहुत अच्छा बना हुआ, बहुत सीरियसली पटना में ऐसा था नहीं, बट अच्छा बना, बहुत ही अच्छा बना है। घूम के अच्छा लगा? हाँ बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम आया? बहुत अच्छा लगा। कैसा लगा अंकल आपको यहाँ आके? बहुत अच्छा लगा। कैसा बनाया मन कैसे? बहुत सुंदर, ये कृष्ण भगवान का अथी है, इसमें क्या कहना है। हाँ बहुत खूबसूरत है, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ बहुत बढ़िया है। लगभग 100 करोड़ का बना हुआ है, 100 करोड़ में बना है और 10 से 12 साल लगा इसको बनने में। बहुत सुंदर बना है। दोस्तों यहाँ से हम एंट्री कर चुके हैं और ये है मंदिर का जो है फ्रंट व्यू। यहाँ से आप देख सकते हैं मंदिर अभी लेकिन पूरी तरह बनकर तैयार नहीं हुआ है, अभी इसमें काम जो है वो चल रहा है, लेकिन जो भगवान का मूर्ति है वो स्थापित हो चुका है और वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे बाकी सब कुछ तैयार है और धीरे धीरे हो भी रहा है, धीरे धीरे व्यवस्था की जा रही है। और भी मंदिर में दोस्तों यहाँ पे 2 फ्लोर बना हुआ है, नीचे में आप जो देख रहे हो ये एक हॉल है जिसमें 5000 से ज़्यादा लोगों की बैठने की जो है व्यवस्था की गई है। ऊपर हम चलते हैं यहाँ पे, तो ऊपर भी अभी ये फर्स्ट फ्लोर पे जो है यहाँ पे काम चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे काम चल रहा है, अभी ये ओपन नहीं हुआ है, यहाँ पे भी काम चल रहा है। लेकिन उसके ऊपर में जैसे ही आप जाते हो यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही भव्य जो है यहाँ पे मंदिर बनकर तैयार हुआ है और बहुत ही सुंदर यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, यहाँ पे लगभग 2-3 हज़ार लोग तो हमेशा रहते ही रहते हैं। यहाँ पे ऊपर में जो देख सकते हो आप झूमर बहुत बड़ा लगा हुआ है और बहुत सुंदर से इसको बनाया गया है। और दोस्तों इसमें पत्थर का जो भी कटिंग किया गया है वो भी बहुत ही कमाल का किया गया है। और जो दीवार पे आप ये जो मूर्तियाँ देख रहे हो ये आम मूर्तियाँ नहीं है दोस्तों, ये जो है सिंपल जो है मूर्ति नहीं बनाया गया दीवार पे। आप इस मूर्ति के पास जब जाओगे तो ये मूर्ति उभरा हुआ निकला हुआ आपको दिखेगा, जो कि बहुत अच्छा लगता है आप जब भी यहाँ जाओगे। और इस हॉल में यहाँ पर आपको भजन कीर्तन भी होता रहता है, आगे इस वीडियो में हम भजन भी आपको थोड़ा सा सुनाएंगे ताकि अच्छा लगे दोस्तों, आपका भी लगे कि आपने इस मंदिर का रियल में दर्शन कर लिया है। दोस्तों यहाँ पे मेरा कोशिश यही रहेगा कि आप घर बैठे जो है इस मंदिर का पूरा आनंद ले सके, पूरा देख सके कि कैसा बना है ये मंदिर। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों भगवान की मूर्तियाँ लगी हुई हैं और बहुत ज़्यादा सुंदर जो है इनकी मूर्तियां बनाई गई हैं। बहुत ज़्यादा सुंदर इसका जो भी एक एक कलाकारी आप देखोगे यहाँ पे, इसको 10 से 12 साल लग गए हैं दोस्तों इसको बनने में। मंदिर को लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा रुपया इसमें लगा है। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा भीड़ जमा हुआ, ऐसे ही सुंदर सुंदर भगवान की मूर्तियाँ यहाँ पे, कृष्ण भगवान का और भी भगवान लोगों का जो है मूर्ति यहाँ पे बनी हुई है। और दोस्तों यहाँ पे हम आगे बताएंगे कि क्या टाइमिंग रहती है इस मंदिर की, जो कि हम यहाँ के जो पुजारी है उनसे हम आपको बात करके दिखाएंगे कि क्या टाइमिंग वगैरह रहती है और क्या इसका मंदिर की मान्यता है, ये सभी हम दिखाएंगे आगे। यहाँ पे देख सकते हैं कितना सुंदर यहाँ पे मूर्ति बनाई गई है। दोस्तों अगर आप कहीं से भी हो पटना या कहीं बाहर से भी हो, अगर आप यहाँ पे पॉसिबल है आना तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा और इसका आनंद लीजिएगा, क्योंकि इस्कॉन जो है ये पटना और बिहार में बनना हम लोगों के लिए गर्व की बात है और बहुत अच्छा लगता है कि एक और विजिटिंग प्लेस जो है जुड़ गया है हमारे बिहार पटना में, जो कि इस्कॉन। और यहाँ पे जो भी लोग आते हैं वो इस्कॉन ज़रूर जाते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इतना भीड़ रहता है यहाँ पे कि मत पूछो। आगे थोड़ा सा भजन कीर्तन दिखाते हैं और दिखाते हैं कि कितना आनंद आता है ये भजन कीर्तन सुनकर। कैसा बना हुआ अंकल, कैसा लगा आपको?
बहुत बढ़िया बना हुआ है ये मंदिर और इसकी लागत लगभग 100 करोड़ रुपया का आती है। अभी बहुत सारी चीज़ें बनने बाकी है, जैसे रेस्टोरेंट हुआ गोविंदा रेस्टोरेंट, फिर रहने की व्यवस्था जो है वो अभी नहीं हो पाई है। फिर उसके बाद आपको जो यहाँ पर विजिटर्स रूम्स हैं, पार्किंग है, ये सब की व्यवस्था धीरे धीरे बनाई जा रही है और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ महीनों के बाद ये मंदिर एक देखने के लिए बिहार में बहुत ही अच्छा इसका लुक होगा। और जितने भी इस्कॉन टेम्पल्स भारत में बने हुए हैं उसकी अपेक्षा में ये किसी भी इस्कॉन टेम्पल से कम नहीं होगा। जैसा कि अंकल ने बताया कि यहाँ पे अभी बहुत कुछ बनना बाकी है और बहुत कुछ बन रहा है, रेस्टोरेंट हो या फिर नीचे में जो हॉल हो बैठने की व्यवस्था हो और जो भी यहाँ पार्किंग की व्यवस्था हो, यहाँ पे अभी डेवलपमेंट चल रहा है। यहाँ पे अभी जैसे कि चप्पल जूता रखने का भी व्यवस्था नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पर जब भी आप अभी दर्शन करने के लिए जाएँ कोशिश करें कि आप जो है सिंपल चप्पल वगैरह पहन के जाएँ, क्योंकि यहाँ पर अभी व्यवस्था उतना शुरू नहीं हो पाया है, धीरे धीरे वो व्यवस्था बन जाएगा। और गाड़ी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते हैं तो और अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि अभी गाड़ी लगाने के भी थोड़ा सा दिक्कत रहती है यहाँ पे, लेकिन धीरे धीरे दोस्तों ये व्यवस्था पूरी तरह सही हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पे अब सेल्फी पॉइंट बना हुआ रहता है, सभी लोग बस फोटो खींचते रहते हैं और बहुत अच्छा लगता है सभी को यहाँ आकर के। यहाँ देख सकते हैं यही हॉल बता रहे थे हम दोस्तों कि जहाँ पे 5000 लोगों की बैठने की व्यवस्था की जा रही है और ये हॉल अभी बन रहा है, यहाँ पे प्रोसेस में है, ये फिनिशिंग इसका किया जा रहा है और उम्मीद है कि जल्द ही ये बनकर तैयार हो जाएगा। इस्कॉन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और यह संस्था पूरी विश्व के लिए कल्याण के लिए कार्य करती है। यह मंदिर ही नहीं है, यहाँ शिक्षा भी दी जाती है, लोगों को किस तरह से अपने जीवन यापन करना चाहिए, जीवन में क्या परहेज है, क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए, अनेकों बात हैं और इस तरह की लोगों को शिक्षा भी दी जाती है। बड़े बड़े हमारे चार्ज हैं, दीक्षा देते हैं और उस दीक्षा से अपने जीवन को धन्य करते हैं, अपने जीवन को सही रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं। यहाँ सिखाया जाता है कि यहाँ मांस मछली अंडा लहसुन प्याज अभक्षक भोजन नहीं करना चाहिए और किसी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए, अवैध संबंध नहीं रखना चाहिए, ये सारी बातें सिखाया जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये भगवान का नाम का जाप करना चाहिए कलयुग में, यही सार है, यही जीवन है, यही सत्य है, यही सच है। और इस प्रकार इस मंदिर का टाइमिंग क्या क्या है, कब से कब तक खुलता है, ये इसके बारे में थोड़ा जानकारी दे दीजिएगा। सुबह 4:30 मंगल आरती हर जगह इस्कॉन में किया जाता है, 4:30 मंदिर खुल जाता है और उसके बाद 1:00 तक मंदिर खुला रहता है, फिर 1:00 बंद होता है, 4:30 संध्या 4:30 खुलता है, रात्रि 9:00 बंद हो जाता है। और बाबा ये बहुत सारा हम आपके पास पैम्पलेट देख रहे हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं तो? ये अन्नदान सेवा है, इस्कॉन का एक फूड फॉर लाइफ एक बहुत बड़ा विभाग है, इस विभाग द्वारा गरीबों को या जो दर्शन करने आते हैं उनकी खिचड़ी प्रसाद, हलवा प्रसाद और खीर प्रसाद की वितरण किया जाता है। इसके लिए लोग अपनी पब्लिक सेवा देती है, दान देती है।